स्वागत है आपका द इंडियन नेस्ट में और मैं पारुल यादव आपको बताऊंगी 15 मार्च के इतिहास से जुड़े कुछ खास किस्सों और घटनाओं के बारे में। वैसे तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन जहां बात क्रिकेट की आती है, लोगों में दीवानगी की सारी हदें वहीं पार हो जाती हैं। क्रिकेट देखने के शौकीन लोगों की हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल की शुरुआत कब और कहां हुई थी? तो चलिए मैं आपको बताती हूं। दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले इस खेल की आधिकारिक शुरुआत आज ही के दिन यानी 15 मार्च को 1877 में हुई थी। दरअसल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। इस टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 45 रनों से हराकर जीता था। और इससे भी ज्यादा खास बात तो ये थी कि इस मैच की कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं थी, मतलब दोनों टीमों को दो दो पारियां खेलनी थी, चाहे इनको खेलने में कितना भी वक्त लगे। 26 नवंबर 2008, ये दिन शायद ही देश का कोई भी इंसान कभी भूल पाएगा। 2008 में 10 आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते देश में घुसकर मुंबई में हमले किए थे। इन हमलों में आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल को भी अपना निशाना बनाया था। इस हमले में 166 लोगों की जाने गई थी, लेकिन हमारे देश के जवानों ने बदले में आतंकवादियों को भी मार गिराया था। इस जंग में हमारी सेना के भी कई जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक थे संदीप उन्नीकृष्णन। देश के लिए अपना बलिदान देने वाले इस वीर जवान का जन्म आज ही के दिन 1977 में हुआ था। इस हमले में ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो के दौरान मुंबई के ताज महल होटल में आतंकवादियों से लड़ते हुए संदीप ने 14 बंधकों को बाहर निकाला था और उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें 26 जनवरी 2009 को भारत के सर्वोच्च शांति समय बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया था। 1992 में आज मशहूर लेखक और उपन्यासकार राही मासूम रजा का निधन हुआ था। आधा गांव, दिल एक सादा कागज और ओस की बूंद उनके लिखे कुछ मशहूर उपन्यास हैं। राही मासूम रजा ने ही टीवी के मशहूर धारावाहिक महाभारत के डायलॉग और स्क्रिप्ट लिखी थी। इसी के साथ उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए भी अपनी पटकथा और डायलॉग लिखे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भी है, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। साल 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा पर पहला भाषण दिया था। इसे ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। आपको बता दें कि कैनेडी के इसी भाषण से प्रेरणा लेकर 15 मार्च 1983 को पहली बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया था। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल का आज ही के दिन 2009 में निधन हुआ था। सरला ने 21 साल की उम्र में एक विमानन लाइसेंस अर्जित करके एक जिप्सी मोट को अकेले उड़ाया था। उनकी एक 8 साल की बेटी भी थी। सबसे पहले लाइसेंस हासिल करने के बाद उन्होंने लाहौर फ्लाइंग क्लब के स्वामित्व वाले विमान में 1000 घंटे की उड़ान को पूरा किया था। आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हमारे इतिहास जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।